सिंचाई विभाग सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ का 14वां द्विवार्षिक मंडलीय अधिवेशन का आयोजन रविवार को सिविल लाइन स्थित एक अतिथि भवन में किया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष सुधीर पवार, मंडल अध्यक्ष सुनील शाही, प्रांतीय उपाध्यक्ष जेपी सिंह, ओपी राय सहित संघ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अधिवेशन के तहत सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ के मंडल का पूर्ण गठन किया गया। इसके साथ ही संघ से जुड़े लोगों की समस्याओं और उसके निस्तारण पर चर्चा कर आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। आज इस दिल्ली में आपको जो भी संशोधन करना है आप कर लीजिए, 10 वर्ष रख लीजिए, 12 वर्ष रख लीजिए, 15 वर्ष रख लीजिए, 8 वर्ष रख लीजिए, जो आपको रखना है वो आप रखिए। पिछले वर्ष जो भी स्थानांतरण हुए, जो शासन के द्वारा जो हमारे स्थानांतरण नीति है उनमें जो भी मानवीय आधार पर जो भी स्थानांतरण होते हैं उनको समाहित करते हुए जो 10 वर्ष वाला प्रभारी जो हम लोगों ने बिंदु वहां पर स्थापित कराया उसका हम लोगों ने सब प्रतिशत पालन कराया, जिसके चलते पिछले बार जूनियर इंजीनियर के स्थानांतरण में कहीं कोई भी अपराध तफरी की स्थिति नहीं रही और इस दिल्ली की ओर कहीं कोई भी स्थानांतरण बंद हो गए और हम लोग संज्ञान में आए तो हम लोगों ने वो स्थानांतरण संशोधित भी कराए और वो स्थानांतरण निरस्त भी कराए। मित्रों, इस वर्ष भी वही स्थिति हम लोगों के सामने थी, जैसे स्थानांतरण सब आया हम लोग पुनः अपने प्रमुख अभियंता के पांच लोग वार्ता के लिए पहुंचे, उनसे बातचीत हुई और बातचीत की बहुत अच्छी उनके साथ बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो नीति आप लोगों ने पिछले बार निर्धारित करा ली उससे हम सहमत हैं और उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन जैसे ही उनके द्वारा इस स्थानांतरण सत्र में पहली लिस्ट 12 हमारे जूनियर इंजीनियर की लिस्ट जारी की गई, उसमें 3 हमारे पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया और 7 हमारे ऐसे जूनियर इंजीनियर थे जिनका पिछले वर्ष स्थानांतरण हुआ था उनका पुनः स्थानांतरण कर दिया। संगठन ने इसका संज्ञान लिया, पत्राचार किया और पत्र के माध्यम से अपना कड़ा विरोध उनके समक्ष हम लोगों ने प्रस्तुत किया, अपनी बात को हम लोगों ने रखा और जब बारह के टेबल पर हम लोग पहुंचे हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो निश्चित रूप से प्रमुख नेता को हम लोगों का जो विरोध रहा वो उनको पसंद नहीं आया और जब बातचीत हम लोगों की हुई तो उन्होंने जो पिछली नीति थी उसको अकारण ही अपनी बातचीत में उन्होंने उसको नकारने का प्रयास किया। जो शासन प्रावधान है चाहे दुखी हो, बीमारी हो, पदाधिकारियों के ट्रांसफर के संरक्षण की बात हो वो बात हमने जो मैंने कर दिया। अब हम लोगों के सामने एक विषम स्थिति हम लोगों के सामने थी, संगठन नेतृत्व ने इसमें निर्णय लिया कि जो भी हमारे मनीषियों ने हमें ये रास्ता दिखाया संघर्ष का कि कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई अगर हम लोगों के बीच होती है तो संघर्ष ये एक रास्ता हम लोगों का है, हम लोग ये अपनाते हुए अपना संघर्ष का कार्यक्रम करें करने के मौके तो हम लोगों ने प्रमुख अभियंता को दिया और हम लोगों ने अपने प्रांत के सभी मंडली पदाधिकारियों से भी बातचीत की और उनको भी बुलाया और आप लोगों का सभी लोगों का अच्छा सहयोग वहां पर प्राप्त हुआ, धरना कार्यक्रम हम लोगों ने वहां पर किया शासन में और विभाग के अंदर में तोड़ गया। हम लोगों ने अपने उस धरना कार्यक्रम के बाद पुनः विभाग में हम लोग गए तो उन्होंने जो भी हम लोग पहले कह रहे थे पूर्वज उन्होंने यथावत हम लोगों की सारी बात को स्वीकार किया और वर्तमान में अभी तक जितने भी स्थानांतरण हुए ये कहने में मुझे कोई उलझ नहीं है कि संगठन ने जितने भी के नीति के आधार पर उनको दिए उन सभी का समावेश करते हुए जो स्थानांतरण है उनको किया गया। अभी आगे की जो एक लिस्ट है उसमें एक दो त्रुटियां हैं जिनको भी हमने विभाग के संज्ञान में हम लोगों ने लाया है, उसमें कार्रवाई अपेक्षित है, देखिए उसमें क्या कार्रवाई उसमें आगे होती है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं इस सफल अधिवेशन के लिए प्रेषित करता हूं। जहां तक बात तमाम मुद्दों की आप लोगों ने जो बिंदु उठाए पिछले लगभग एक वर्ष का जो कार्यकाल रहा उसके सारे बिंदुओं पर विस्तृत रूप से हमारे महासचिव के द्वारा आप लोगों को सारी बातें बता दी गई और संगठन की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में हम लोग किस तरीके से पार पा सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इंगित भी किया, क्योंकि समय पहले 2 बजे मुख्य अभियंता का था, फिर हमने फोन करा 3 बजे करा और 3 बजे का भी समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो सिस्टम में 2-3 बात जो अभी हमारे 2-3
नए साथी मेरे पास आए तो उन्होंने दो तीन बिंदु हम लोगों को दिए, उसी पर मैं अपनी बात रखता हूँ। एक बिंदु उन्होंने जो साथ जो साथी हमारे दिए उसका दिया, उसमें महासचिव जी ने आप लोगों को बताया कि संगठन आपके साथ आखिरी स्तर तक पूरे दमखम के साथ आपके साथ रहेगा। कोर्ट के माध्यम से चूंकि लड़ाई है तो लड़ाई तो कोर्ट के माध्यम से लड़ी जाएगी, लेकिन संगठन के स्तर से जो जो फरियाद जो जो मार्गदर्शन जो जो सहयोग आपका होगा पूरा सहयोग हम लोग उसके अंदर करेंगे। बीच में भी प्रमुख अभियंता के साथ जब अधीन सेवा चयन आयोग से जब नए 107 लोगों की सूची जब आई थी तब भी हमारी बात प्रमुख अभियंता के साथ बातचीत हुई थी और उस बातचीत में हम लोगों ने बहुत स्पष्ट रूप से बात कही थी कि इतने दिन नौकरी करने के बाद इस तरीके से संगठन किसी भी विभाग से हमारे ऐसे साथी की विदाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में क्योंकि केस है, कोर्ट के माध्यम से केस है, तो बहुत जल्दबाजी में कोई कार्रवाई आप अपने स्तर से इस तरीके की ना करें कि उनके भविष्य में उन्हें कोई इस तरीके की कोई दिक्कत पैदा हो।